गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड फोर्थ। आज हम जीके की बुक में वर्कआउट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 25। दिस आर द ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। वी हैड लर्नड अबाउट आवर आईज, नोज, ईयर्स, स्किन एंड टंग, अबाउट दिस फाइव ऑर्गन्स। नाउ हियर वी आर गोइंग टू लर्न सम मोर ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। पिक्चर्स ऑफ सम ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी आर गिवन। यू हैव टू राइट द आंसर ऑफ द ऑर्गन पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। ब्रैकेट्स आर गिवन। सो आवर फर्स्ट ऑर्गन, दिस इज ब्रेन। ब्रेन हेल्प अस टू, व्हाट वी विल डू विथ आवर ब्रेन। ब्रेन से आप क्या कर सकते हो? ब्रेन से हम अच्छे बुरे की पहचान कर सकते हैं। ब्रेन हमारी पढ़ने में मदद करता है। सो दिस इज अवर पार्ट ऑफ द ब्रेन। दिस इज द पार्ट ऑफ द लंग्स फ्रॉम वेयर अवर ब्लड सर्कुलेट्स। दिस इज द पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन ऑफ अवर बॉडी इनसाइड द स्टमक। दिस आर द बोन्स ऑफ अवर बॉडी। अगर हमारे ऊपर स्किन नहीं होती तो ये बोन्स ही सिर्फ रहता। स्किन है इसीलिए हम टच फील कर सकते हैं, और ये है सिर्फ बोन्स जो हमारे बॉडी के अंदर है। फिर है किडनी पार्ट, इसे किडनी कहते हैं। फिर स्टमक, ये स्टमक का हिस्सा है। हियर लीवर, दिस इज द पार्ट ऑफ द लीवर। एंड हियर इज अवर हार्ट। ओके, सो दिस आर द पार्ट्स ऑफ द बॉडी इनसाइड अवर बॉडी। इस पार्ट में से हम, आपने कितने नेम सीखे इस पार्ट से? 8 नेम सीखे। ऑर्गन्स ऑफ अवर बॉडी इनसाइड द बॉडी कौन कौन से हैं? तो ब्रेन, लंग्स, इंटेस्टाइन, बोन्स, किडनी, स्टमक, लीवर एंड हार्ट। ये सारे ऑर्गन्स हमारे बॉडी के अंदर है, वो बहुत ही हमें यूज़फुल है। अगर इसमें से किसी में भी कुछ भी डैमेज हो जाता है तो बहुत तकलीफ होती है। तो बच्चों, हमेशा हमें खाने पीने में बहुत ही ध्यान रखना है, ताकि हमारे कोई भी इंटेस्टाइन को, कि कहीं स्टमक को, लीवर को, हार्ट को, कहीं भी कोई तकलीफ ना हो। फिर हम जाते हैं चैप्टर 26 की तरफ। जस्ट वन वर्ड, एक वर्ड में आपको आंसर देना है। गिवन बिलो आर डिस्क्रिप्शन ऑफ सम स्पेशल डिटेल्स। ईच ऑफ देम इज ऑल्सो नोन बाय जस्ट वन वर्ड। मीन्स ग्रुप नेम है, कि ग्रुप को किस नाम से, किस एक नाम से आप बुलाते हो। दिस वर्ड्स आर गिवन इन द बॉक्स। बॉक्स में आपको वर्ड दिए गए हैं, आपको फाइंड आउट करके लिखने हैं। अ पर्सन अंडर 18, जो 18 से नीचे हो, तो उसे क्या कहते हैं? माइनर। क्या कहते हैं? माइनर। वन हु प्रिटेंड्स ही इज समवन एल्स, इम्पोस्टर। व्हाट ही विल से? इम्पोस्टर। अ प्लेस वेयर प्लेस आर परफॉर्म्ड, थिएटर। ओके, फिर अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, एपियरी। जहाँ पे बीज को रखा जाता है उसे एपियरी कहते हैं। अ पब्लिक नर्सरी फॉर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के लिए जहाँ बनाई जाती है नर्सरी, उसे कहते हैं क्रेच। क्या कहते हैं? क्रेच। अ केस फॉर अ पिस्तौल, हॉटस्टर। क्या कहते हैं उसे? होल्स्टर। अ प्लेस फॉर कीपिंग बर्ड्स, एवियरी। व्हाट वी विल से? एवियरी। जहाँ पे बर्ड्स को रखा जाता है। अ टैंक फॉर कीपिंग एक्वाटिक एनिमल्स, पानी में रहते हुए एनिमल्स को जहाँ रखा जाता है उस टैंक को एक्वेरियम कहते हैं। अ हॉस्पिटल स्पेशली फॉर पीपल विथ डिजीज ऑफ द लंग्स, लंग्स की बीमारी के लिए जो हॉस्पिटल बनाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? सैनिटोरियम। रेसिडेंस फॉर मॉन्क्स, मॉन्क्स का रेसिडेंट के लिए मोनेस्ट्री। रेसिडेंस फॉर नन्स, नन्स के रेसिडेंट को कॉन्वेंट कहते हैं।
अ क्वार्टर फॉर मिलिट्री टू लिव इन, जहाँ पे मिलिट्री रहती है उसे बैरक कहते हैं। एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग एटमोस्फेरिक प्रेशर, जो हवा का तापमान जानता है उसे हम कहते हैं बैरोमीटर। अगेन अ पर्सन अंडर 18 माइनर, वन हु प्रिटेंड्स ही इज समवन एल्स इम्पोस्टर, अ प्लेस वेयर प्लेस आर परफॉर्म्ड थिएटर, अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट एपियरी, अ पब्लिक नर्सरी फॉर चिल्ड्रन क्रेच, अ केस फॉर अ पिस्तौल होल्स्टर, अ प्लेस फॉर कीपिंग बर्ड्स एवियरी, अ टैंक फॉर कीपिंग एक्वाटिक एनिमल्स एक्वेरियम, अ हॉस्पिटल एस्पेशली फॉर पीपल विथ डिजीज ऑफ द लंग्स सैनिटोरियम, अ रेसिडेंस फॉर मॉन्क्स मोनेस्ट्री, अ रेसिडेंस फॉर नन्स कन्वेंट, अ क्वार्टर फॉर मिलिट्री टू लिव इन बैरक, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग एटमोस्फेरिक प्रेशर बैरोमीटर। सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू डू दिस टू चैप्टर्स इन योर बुक। थैंक यू।